हम कलेक्टर साहब से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि ये सिटी क्लब जो है ये यहाँ से उठाइए और इसे कहीं दूसरी जगह लेकर जाइए। एक ये निजाम के थोड़े बहुत रिश्तेदार हो सकते हैं, नहीं अपन तो कोई किसके कुछ नहीं, अपन तो सब लोकल गाड़ी, यहाँ तक हुआ गाड़ी थम हुआ। शुक्रिया। जिसके अंदर क्रिकेट, फुटबॉल, बॉडी बिल्डिंग और कुश्ती के मुकाबले होने वाले हैं। दोनों ही टीम तैयार रहे प्लीज। 5 दिनों के बाद यहाँ पर एक फूड फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाएगा प्लस एंटरटेनमेंट के, और इसके साथ ही एक रात जो है वो खवाली के लिए रहेगी और आखिरी दिन जो है वो कवि सम्मेलन और मुशायरा रहेगा। बेसिकली शुरू करें, अधिकारी आए हैं, हमने सबसे अनुरोध कि इस ग्राउंड के ऊपर एक भव्य स्टेडियम हो। यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक दी पोजीशंस प्लीज। लोगों की एक कई बरसों, एंड बिफोर दैट आई वुड नाउ रिक्वेस्ट ऑल द डिग्निटरीज, मैं चाहता हूं और मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे माननीय डिग्निटरीज कि आप मंच पर फिर से एक बार एकत्रित हो जाएं। वैसे आज के इस थ्री चेयर्स फॉर आईजे फ्रेंड्स 2022। हिप 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 हिप। धन्यवाद। इस मार्च पास के साथ साथ हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं, और जैसे कि मैं आपको बता रहा था यहाँ दुआ फवतारों से चमकता है, वैसे आज हम लैंटर्न रिलीज करके साथ दें और अप्रिशिएट करें द एफर्ट्स पुट बाय द टीम एंड आईजे फेस्ट। हम कलेक्टर साहब से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि ये सिटी क्लब जो है ये यहाँ से उठाइए और इसे कहीं दूसरी जगह लेकर जाइए। सिटी क्लब भी यहाँ से अगर हट जाता है तो बहुत बड़ी जगह यहाँ पर मिल जाती है, तो यकीनन एक भव्य स्टेडियम यहाँ पर हो सकता है। दोस्तों, इसके बाद जो भी यहाँ पर बोलने के लिए आएगा, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करना, ताकि उन्हें भी ये याद रहे कि हमें यहाँ पर एक स्टेडियम बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक पुलिस कमिश्नर, ये दोनों की इतनी अच्छी कनेक्टिविटी एक बार मैं आपके प्रोग्राम में आके देखा मैंने। यकीनन जो काम आपने इस शहर के लिए किया, अभी जिले के लिए, जिले के सारे लोगों की उम्मीदें हैं कि अस्तिक कुमार जी के हाथ से जिले का काम हो। और हमारी बहन जो है मक्सुदा पाटिल, सही मानो में तुमसे ज्यादा मैंने वो बहन को काम करते देखा है। आप बुरा मत मानो, मुझे कुछ आपका अपमान नहीं करना है, लेकिन यकीनन हमारे ग्रामीण के SP जब थे, वो बहन ने इतना अच्छा काम किया, सारे
हमारे जो नशा मुक्ति अभी चाहते हैं आप, जो नशा बंद करना चाहते हैं, इससे पहले दिल्ली में बहुत अच्छी तरह से मकसूदा पाटिल मैडम ने, बहन जी ने किया, मैं उनको भी तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और उसके संगा संगा जो हमारा यहां का ग्राउंड है हिमायत बाग में भी एक अच्छी कृषि विभाग की तरफ से एक विद्यापीठ बनेगा। यहाँ एक पीजी के बच्चे अच्छे अच्छे जो किसान के लिए जो नए प्रयोग कर सकते हैं, नए उनको वैरायटी बीज बियाने दे सकते हैं, अच्छी खेती कैसी हो उसका एजुकेशन दे सकते हैं, वो भी हमारी 350 एकड़ जमीन यहाँ है। कई क्योंकि अतिक्रमण करना बहुत आसान है, जिला हमारा जिलाधिकारी कार्यालय बनने वाला है, जिला परिषद का काम चालू है, अभी हज हाउस और वंदे मातरम इसके लिए मुख्यमंत्री जी की तारीख ली जाएगी, और वो भी अच्छी तरह से एक जिला अधिकारी महोदय के अध्यक्षता में उसको इंचार्ज बनाया जाएगा, ताकि जिला अधिकारी के अध्यक्षता में उसकी देख रेख रही, उसका मेंटेनेंस होगा, उसकी साफ सफाई होगी, और बाकी कोई राजकीय पॉलिटिकल उसके अंदर कोई हमारा ये नहीं। हमारा मकसद ये है कि वंदे मातरम हॉल और हज हाउस ये दोनों भी इस शहर की शान है। इस शहर में आपने जितने गेट सुरक्षित करने का काम किया है, हमको तो निजाम के बाद में आप ही हमारे शहर के लिए एक ये निजाम के थोड़े बहुत रिश्तेदार हो सकते हैं। सही नहीं, अपन तो कोई किसके कुछ नहीं, अपन तो सब लोकल गाड़ी, हाथ रखवा गाड़ी थमवा। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और दोनों टीम के कैप्टनों के लिए, हमारे उनके प्लेयरों के लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। और अभी जो बिलाल ने बताया कि पहली मैच में 300 रन बनाए, अपने ग्राउंड पे 300 रन भी बन सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। अभी इतने रन